की। यार कोई सही बोला था, है बगल में कोविड। ये जो बाहर एम्बुलेंस की आवाज आई है ना, यहाँ तो कोई आजाद हुआ या गया। इधर आ जरा थोड़ा रोशनी में आ, एक तो अंधेरे में रोशनी में, कैमरे में नहीं आना चाहिए। आप देख रहे हो मेरा नाम राजीव है, ठीक ठाक सा नाम है, इसका नाम लव रखा। आपको पता है कि दुनिया में कहते हैं ट्रू लव खत्म हो रहा है, तो देख लो वजह कौन है ट्रू लव खत्म होने की। अपना नाम लव से हटाए, लस्ट रख ले। कैसा नाम रख लिया तूने लव। मैं बोला अपना नाम, अगर अंकल सुन रहे हो मेरा कभी वीडियो देख लें तो इसका नाम लव नहीं रखना चाहिए था, कुछ रखना चाहिए था। मैं तो कहता कुछ नहीं रखना चाहिए था, कुछ भी होता है। अच्छा आप फ्रंट सीट पे मास्क पहन के बैठी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो छींक से डरा हुआ, सामने से कोई छींक ना मार दे। चलो अच्छा अच्छा अच्छा, कम से कम मुझे नहीं पता चलना चाहिए कि खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं। उन्हें हो भी रहा पता क्या, घर से खूबसूरती आ रही हैं और मास्क उतरता अंदर से असलियत आ रही है, क्योंकि मेकअप सारा मास्क पे लग रहा है। मास्क उतार दे, दिखा दे आज हुसन अपना, दिखा दे तो सामने। अच्छा उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, बगल वाली बता रही है, बता दे आज तेरी तो बेइज्जती हो, तू उतार तो अपना उतार के आप अपना दिखा दो। हेलो, वाह वाह, ये होता है कॉन्फिडेंस नहीं, मैचिंग देखो। दुपट्टे का काट के मास्क बनाया और सेम मास्क है डिट्टो। ये मास्क दुपट्टे से लिया है, दुपट्टा मास्क लिया है, जहां से आया है। मार्केटिंग स्कीम, सीधा बोलो मुफ्त का माल हम ले रहे हैं। आप देख लो, आप इंस्टाग्राम देख लो अच्छे से, अभी देख लो। ये साथ में कौन है भाई साहब? He's also a singer actually. Oh, very good. Artist and a singer. Oh, आपके साथ दोस्त? दोस्त। वेरी गुड दोस्त। आर्टिस्ट तो सारे हैं यहाँ पे, मुझे पता है। थिएटर आर्टिस्ट, मैंने भी थिएटर किया है लेकिन तब पैसे नहीं मिलते थे। अच्छा हैं थिएटर वाले काफ़ी हैं, अभी भी नहीं मिलते, भी नहीं मिलते। लेकिन पता क्या है, थिएटर करके आपको इंस्टाग्राम मिल गया, फोटो में डाल के उसमें जो आप फॉलोअर बढ़ा रहे, हमारे में वो भी नहीं था। सिर्फ जो 100 लोग देख रहे उनमें ही हिट थे बस, हम लाखों में नहीं पहुंचते थे। जब आप दिल्ली में ऐसे ऐसे मिलते हैं ना, मैं मतलब हैरान परेशान हो जाता हूँ। अच्छा यहाँ तो चलो लोग ठीक ठाक बैठे हुए हैं, मेरा दोस्त है, अभी आपको पता है थिएटर खुल गए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, एक सीट खाली। मज़ा आया मुझे, जो कोने की सीट मांगते थे, मैं कहा अब लो कॉर्नर सीट। तो मैंने पूछा, मैं कहा इधर अब क्या करेगा कॉर्नर सीट, कहता पाजी फायदा ही है। मैं कहा क्या, कहता पहले काम जो बैठ के करते लेट के करेंगे। कहता दो की तीन सीटें मिल रही हैं। अच्छा जिन्होंने किया उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, वेरी गुड, वो तो ठीक है। अच्छा आपने कभी सुना मेरे शो में कोई आके ना कॉर्नर सीट मांग रहा था मेरे शो में? मैं कहा तू बहुत ज्ञानी आदमी है, इधर आ। मैं कहा इमरान हाशमी को देखो मूड बनता, समझ में आता है, मतलब मैं चुटकुले सुनाऊंगा तू कैसे मूड बना लेगा, कैसे मतलब कॉर्नर सीट पे। कहता पाजी चुटकुले की स्पेलिंग सुनाओ। मैं कहा CHUT, कहता बन गया। उसने तो मुझे कूले तक नहीं पहुंचने दिया। मैंने कहा मैं तो इमरान हाशमी से फास्ट हूं यार। तो ये तो मतलब दिल्ली जिंदाबाद है इस मामले में। तो दिल्ली में ना शो करने का बड़ा मजा आता है, कई बार हमसे बेटर कर जाते नीचे से, वो बात अलग, क्रेडिट नहीं लेते वो लोग। तो ये मुझे अच्छा लगता है दिल्ली में आके। मैडम कोट पहन के आई हैं, तो आप, आपका नाम है जी? सोनिया। एक तो ना लड़कियां अपना नाम ऐसा लेती है ना सोनिया, घर वालों ने सोनिया नाम रखा है, सोनिया है ना, सोनिया। आपकी वजह से हम लोग ना कुछ नहीं सीख पाएंगे, हमने बचपन से सोनिया याद किया, सोनिया गाल सुन, सोनिया ऐसा रखा हुआ, सोनिया। आप करती क्या हैं? हैं जी बैंक, बैंड। ओ
वाओ, हमें नहीं मैनेजर मिलती, हमें ऐसे मिलते मनहूस। यार ये मैनेजर कहाँ मिलती हैं ऐसी? हाँ कहते पैसे खर्च करो तो मिल जाते हैं, मुफ्त लेने तो ऐसे मिलेंगे। क्या नाम है आपके बैंड का? हैं जी, शोशा। पंजाबी में शोशा पता किसको बोलते? कितने यहाँ पंजाबी हैं? अच्छा एक बात है, हाउ वेरी गुड। अच्छा एक बड़ा होता ना, हाउ मेनी पंजाबीज इन द हाउस? जहाँ भी जाओ, मैंने हाउस में पूछा, ये हॉल में बैठे हो आप, गलत हाथ खड़ा कर रहे हो आप। नहीं नहीं, नहीं लेकिन होता है, पंजाबी क्यों हर बार वहाँ गया कि हाउ मेनी साउथ इंडियन इन द हॉल? कोई नहीं पूछता, सिर्फ पंजाबी। इले ये पंजाबी ठीक है, ये थोड़ा सा तमिलनाडु भी रह के आई है, इले इले पता है इसको। तो शोशा मैं बताता हूँ, पता नहीं बैंड तो चलो अच्छा ही होगा, लेकिन हमारे में शोशा पता क्या होता था? कहते शोशा मतलब क्या है इसका? कहते हैं भाई, मैं कह नहीं कोई तो डिक्शनरी में कहीं तो मतलब होगा इसका। कहते नहीं एमिंग। तो मैंने कहा क्या स्पेलिंग क्या तुम्हारे शोशा के? कहते पी एस एच ओ एस एच ए। तो मैंने कहा पी क्या? कहते शोशा। तो मुझे समझ में आया था। एनी हाउ वेलकम टू द शो। और की हाल? बढ़िया। की करते भाजी? यार सारे सिंगर ही आ गए थे इतने, शो सिंगिंग तो मैं कर लिए। ओके अच्छा सारे इकट्ठे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। वाह तेरी बालों से दुश्मनी है कोई? भगवान ने तुझे ज्यादा दे दिया तो दुश्मनी निकाल रहा उनसे, जिनके नहीं है उनको पूछ। इधर से इसने उस तरह फेरा हुआ, सर पे बालों को फांसी दी हुई है। भाई जिनके नहीं है उनको पूछ, कम होते बिखेर बिखेर के आ रहे हैं यहां पर। हाँ तो अरे हमारे शो में तो कुछ परिवारवादी लोग भी आए हैं, सो वेलकम। आप क्या करते हैं मैडम? नहीं नहीं, तो ये क्या दुश्मनों का परिवार है? एक बात बताऊं, लव होता है ना तो परिवार होता है। अब चाहे जिस मर्जी सेंस में ले लो। बट एनी आप दीदी नहीं भाभी, जिसको आधे घंटे से लगा भाभी भाभी कर रहे हैं, इसको रिश्ता मत लेके देना। जो बहुत ज्यादा भाभी भाभी कर रहे हैं समझो रिश्ता मांग रहा है। रिक्शा चलाने के लिए कि बैठने के लिए? कहता है इसकी करतूतें करेंगे डिसाइड। भाभी आप बैंक में है शायद? वेरी गुड, ऐसे लोग ही होते बैंक में या ऐसे मैनेजर होते हैं। नहीं नहीं मेरे वैसे याद आ गया, मतलब मैं फॉर्चुनेटली जानता हूँ भाभी को। बैंक कौन सा? सॉरी एच एस बी सी। ये ब्रांडिंग के बाद जो बेचती होनी उसका क्या है? ये ना दिल्ली का फेवरेट बैंक है, पूछो क्यों? क्योंकि बैंक में बीसी आ रहा है। ओ, वो भी हाई सोसाइटी बीसी। नहीं लेकिन मुझे अच्छा लगता है, आप कभी गौर कीजिएगा बैंक से। मुझे सॉरी याद आ गई एक बात कि ना ये जो ये बैंक है HSBC ICICI जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक ना इनकी खूबसूरती अलग है यार। आप कहीं बैंक में जाइए, थके हारे पसीना आ रहा होगा, आपको लगता है दो मिनट सांस ले लूँ, AC है, आप रुको सही दो मिनट, कोई ना कोई खूबसूरत लड़की आपके पास आ गई, मे आई हेल्प यू? बंदे को अपनी बीवी पे गुस्सा आ जाता है। जिनकी शादी है वो समझ सकते हैं, बीवी पे गुस्सा आ जाता है, ये इतने प्यार से पूछ रही है, जिसको मैंने कुछ दिया नहीं, जिसको मैं सब दे रहा हूं, वो जाते दरवाजे को आ गए। इतने प्यार से पूछते हैं ना, मे आई हेल्प यू? अच्छा बंदा पैसे निकलवाने आया होता जमा करा के चला जाता है, कहता यहां से क्या निकलवाने पैसे है? और अच्छा ये मेंटेन रहने का मुझे ये भी लगता है प्राइवेट बैंक्स में कि ना लंच ब्रेक है ही नहीं, जब मौका लगे खा लो, खड़े खड़े बैठे कोने में कहीं भी खाओ, ब्रेक नहीं है। सरकारी में आप 12:30 चले जाओ, लंच ब्रेक है।
मैं कहा लंच ब्रेक तो 1 बजे है। हाँ तो क्या ठंडा खाना खा ले, खाना गर्म ना करे। मैंने कहा कहाँ आधा घंटा लगता खाना गर्म करने में। कहती अपना थोड़ी करना है, चेक करना है किसका करना है गर्म। यार कोई सही बोला था, है बगल में कोविड। ये जो बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ आई है ना, यहाँ तो कोई आज़ाद हुआ या गया है?